नमस्ते दोस्तों, अब हमारी आखिरी दो चक्रों पर आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। एक है हमारा थर्ड आई चक्र, मतलब अज्ञा चक्र, और एक सहस्रारा क्राउन चक्र। अब अज्ञा चक्र के बारे में तो खंडित किससे होता है, वो जो हम लोग मतलब अंतर्दृष्टि को नहीं देख के हम मोह माया में जब फंस जाते हैं तब वो खंडित होता है, ब्लॉक होता है। लेकिन अंतर्दृष्टि में रहेंगे, इनसाइट में रहेंगे तो वो ऊर्जित होता है। तो सही तरह की, जब हम कहते हैं ना कि इल्यूजन्स इज मोह माया, इट इज़ जो नहीं है उसके बारे में फंसे, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, तब हमारी थर्ड आई की बैंड बजी पड़ी होती है। उसको भी हमको ऊर्जित करने के लिए बहुत ही इजी मुद्रा है ये, जो इस तरह का आपको एक ट्रायंगल बनाना है। आंखें बंद करके अपने तीन ओम कहिए और अपने थर्ड आई पे एक गहरे नीले रंग का, मतलब इंडिगो कलर के फ्लावर का आप कल्पना कीजिए और कहिए ओम, नहीं आओम, ठीक। ये जो तीसरी आँख का, जो हम कहते हैं थर्ड आई चक्र, बहुत ही ज़रूरी होता है इंसान को बैलेंस्ड रहने के लिए। अगर आपकी सोच बैलेंस्ड नहीं है ना, तो फिर आप समझिए कि पूरी ज़िंदगी इम्बैलेंस है। अब ये सब सोच सब ये क्यों सातों चक्र का हम लोग बात कर रहे हैं, देखिए मूलाधार चक्र आपका रूट चक्र सर्वाइवल, आपका अगर सर्वाइवल ठीक नहीं है, फिर आपका स्वादिष्ठान, मतलब आपके लाइफ में प्लेजर्स सही तरह से नहीं आ रहे हैं, आपका मणिपुर जो आपका विल पावर ठीक नहीं है, आपका अगर हार्ट चक्र, मतलब आपका दिल में खुशी नहीं है, प्यार नहीं है, आपके विशुद्ध चक्र में अगर एनर्जी नहीं है, मतलब सच्चाई में नहीं ये हो रहा है, तो फिर आपकी सोच भी अच्छी नहीं रही। इसीलिए हम लोग नीचे से ऊपर उस तरह से 1 2 3 4, ये छठा चक्र है। और आपको इसके लिए ये याद रखना है कि अगर ये एक बहुत ही कम लोगों को पता है, बहुत लोगों को जो माइग्रेन जो होती है ना, ये थर्ड आई चक्र का जो प्रॉब्लम है उसके वजह से होती है। इसका बहुत ही सिंपल इलाज है माइग्रेन का, आपको पता है क्या, थोड़ी इमली रखिए मुंह में, दवा ववा मत लीजिए, इमली, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल सकती हूँ, इमली खाइए। जितना आप इमली, मतलब जो छोटी सी एक ये लीजिए और मुंह में रखिए, 10 मिनट में आपको आराम आने लगेगा। जो माइग्रेन के प्रॉब्लम वाले हैं वो, उनके लिए खास कर कहती हूँ ये कि थर्ड आई चक्र ना, अज्ञा चक्र को अगर सही तरीके से आप संभालेंगे, वो मंत्री होता है, मंत्री पूरे राज्य का मंत्री होता है, ठीक है। और अब अपना आखिरी यानी सबसे ऊपर वाला चक्र यानी सहस्रारा द क्राउन चक्र, ये जो क्राउन चक्र होता है ये होता है उत्तेजित लौकिक शक्ति यानी कि कॉस्मिक एनर्जी से। ये सब ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। आप पहले बात तो आप नॉर्मल लाइफ जीजिए, फिर बाद में वो जो कॉस्मिक एनर्जी वगैरह ये सब बहुत दूर की बातें होती है। लेकिन फाइनली जब जैसे कहते हैं ना, जब एज होती है, बुढ़ापे में लोग जो क्या कहते हैं वो पिलग्रिमेज पे निकलते हैं, तो वो सब क्यों, क्योंकि दैट इज़ द टाइम दे आर एक्चुअली एनर्जाइजिंग द क्राउन चक्रा। ओके, मेरा तो ये मानना है कि बुढ़ापे के लिए रुकने की ज़रूरत नहीं है, पर नीचे से, मतलब जैसे आपके मूलाधार चक्र को स्ट्रेंथन करते हुए जैसे आपका सहस्रारा चक्र आता है, तब तक आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो चुके होने चाहिए। और ये सब जिंदगी की शाम होने के लिए क्यों रुक रहे हैं आप, जिंदगी के दोपहर में अगर आप अपने मूलाधार चक्र से लेके अपने सहस्रारा चक्र तक आप अगर एनर्जाइज हैं, तो इसका मतलब आपके बाकी का उर्वरित दिन जिसको बोलते हैं, या बाकी का दिन जो दोपहर से लेके बाकी के आपके ज़िंदगी के शाम रात तक का दिन, बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से कटेगा। दोस्तों मैं आपको और एक बात बताना चाहती हूँ, जैसे लोग कहते हैं ना कि मरने से पहले थोड़ा हमारा टाइम शांति से गुजरे तो अच्छा है, मरने का वक्त किसको पता है। तो अभी से अगर हम शांति लाने शुरू कर देते हैं अपने दुनिया में, अपनी ज़िंदगी में, तो नेचुरली अगर आपको और 50 साल जीने हैं
तो इसका मतलब आपने 50 साल शांति के लिए आपने प्रोविजन कर लिया। मन की शांति की बात हो रही है यहाँ पर। मन कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता है, शांत नहीं हो सकता है, सब कहते हैं, बट लोगों को पता ही नहीं कि मन, दिल और जो दिमाग में क्या फ़र्क है। मन जो होता है ऐसा, जिसमें कोई जो कोई मैटर नहीं होता है, मतलब मन नाम का कोई अंग नहीं है हमारे हमारे शरीर में, लेकिन मन इतना चंचल होता है कि अगर उसको हम काबू में ना रखें तो हमारी ज़िंदगी पूरी तहस नहस हो जाती है। मन को हमेशा अपना गुलाम बना के रखिए। कहते हैं द माइंड इज़ द बेस्ट स्लेव एंड द वर्स्ट मास्टर। उसको अपना मालिक बना के रखेंगे ना तो आप मतलब कभी भी ज़िंदगी में वो नहीं खुशी पा सकेंगे जो जिसके लिए आप बने हो। ठीक है, तो सहस्रारा चक्र के लिए आपको मैं मुद्रा बताती हूँ। इस तरह का मुद्रा है, कहीं भी आप मैं बताती हूँ तो उसका उस साउंड के साथ बता रही हूँ, आप लोग वेरीफाई कर लीजिए। और ये है उसकी मुद्रा, आंख बंद करके आपको मांग ऐसा करना है। आंग है लेकिन मांग मतलब हम आंग, दैट इज़ द साउंड ऑफ द सहस्रारा चक्र, और स्पिरिचुअल कनेक्शन के लिए बहुत अच्छा होता है। अभी आपको सातों चक्रों के साउंड्स पता हैं तो एक बार ओम कह के मूलाधार चक्र से जो शुरू करेंगे, एक बार ओम कह के उसके बाद लाम वाम राम याम हाम आम आम, ओके, इस तरह से आप करेंगे पूरे दिन में, बहुत ही फ़र्क पड़ेगा आपको और आपको एक फील गुड फैक्टर आएगा। मैं जो छोटी छोटी बातें बताती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में खुशी, उल्लास और जॉय, उल्लास मतलब जॉय और शांति, पीस ना, परिपूर्णता, कंटेंटमेंट आए। तो प्रैक्टिस कीजिए इस बात का और शुरू करते हैं हमारे एंजल कार्ड रीडिंग से। डिसिप्लिन, अब सब बोल रहे हैं हम लोग और डिसिप्लिन का कार्ड आया है। डिसिप्लिन, आपकी ज़िंदगी में डिसिप्लिन का बड़ा ज़रूरत है। अगर वो नहीं हुआ, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हुआ, जैसे आप सुबह सोते हैं रात को जागते हैं, ये इससे आप उल्लू तो नहीं हैं, आप इंसान हैं, तो आपको रात को सोना चाहिए और सुबह जागना चाहिए, अनलेस आप कहीं और है, मतलब अमेरिका में हो तो नेचुरली उसके रात में जागना चाहिए। तो उस तरह से आपके लाइफ में अगर डिसिप्लिन लाएंगे तो उस तरह से आपकी ज़िंदगी आपको बहुत ज़्यादा कुछ देगी। और आपको अपना अफर्मेशन मतलब आपके हार्ट पर हाथ रख कर कहना है, सेल्फ डिसिप्लिन ब्रिंग्स मी फ्रीडम, मतलब मैं जब डिसिप्लिन होता हूँ या होती हूँ तब मुझे आज़ादी मिलती है। और आपका क्रिस्टल सनस्टोन बहुत ही ब्यूटीफुल आपको जॉय लेके आता है, आपको डिप्रेशन से फ्री कराता है, आपको लक लाता है। अब इवन जो लास्ट टाइम गए हफ्ते हम लोगों ने देखा था, जो जेड था वो भी लक ला रहा है और अभी सनस्टोन भी लक ला रहा है। ये रूट से लेके हार्ट तक के चक्र के लिए है, तो इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोन, ज़रूर आपकी ज़िंदगी में लाइए। जो लोग सुस्ती होते हैं ना, जिनको कोई काम नहीं करना होता, ये स्टोन लेके आप मतलब मशीन लगे हुए जैसे भागेंगे आप लोग। ठीक है, शुरू करते हैं हमारे इस हफ्ते के जो हमारे जो गणेश चतुर्थी का तो हफ्ता चल रहा है, इस हफ्ते अनंत चतुर्दशी आ जाएगी। दोस्तों गणेश जी का जो वाहन है मूषक, उस पर भी ज़रा ध्यान दीजिए और अपने वाहन को उस तरह से, जिस तरह से गणेश जी अपने मूषक पे ध्यान देते, आप भी अपने वाहन की ध्यान रखिए, उससे प्यार से। हम अगर आप अगर कहेंगे आपके वाहन अगर निर्जीव है, नहीं, अपने गाड़ी से बात कीजिए प्यार से, मैं भी करती हूँ, प्यार से बात कीजिए, मुझे अच्छी तरह से पहुँचाओ, तुम पर मुझे भरोसा है, इस तरह की अगर बातें आप अपनी कार से करेंगे, आपको कहती हूँ उस तरह का आपका एक जो सारथी है आप खुद होते हैं, लेकिन जो जिस तरह का वो वाहन आपका साथ देगा कोई नहीं देगा। तो
बट इतना प्यार मत कीजिए कि इंसानों से नफरत करने लगे आप, मेरे कार को ये मत करो, मेरे कार को, डोंट डू दैट। एंड मैं लॉर्ड गणेशा जाने से पहले आपको बहुत सारा आशीर्वाद दें इस हफ्ते के लिए, आपके लिए मेष राशि के लिए कार्ड हैं आइसोलेशन। अरे बाप रे, आइसोलेशन का कार्ड मतलब होता है आप एक अकेले होने वाले हैं, लेकिन पैसा बहुत है। देखिए यहाँ सोने के आंसू हैं, 3 नंबर का कार्ड है। आइसोलेशन से आपका ये मतलब हुआ कि आप रिलेशन, देखिए लास्ट टाइम आपके लिए आया था माइजर का कार्ड, नेचुरली आपने उस तरह से बिहेव नहीं किया है शायद जिस तरह से बिहेव करना चाहिए था। इसको आप, मैंने कहा था आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी देखिए आप आइसोलेट हो चुके हैं, तो इसमें से निकलने के लिए क्या करना है, लोगों की ममता, बर्फ़ है, बर्फ़ को पिघलाने के लिए क्या किस चीज़ की ज़रूरत होती है, गर्मी की। तो इंसानियत का अकेलेपन को दूर करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, लोगों की, लोगों को जमा कीजिए, पैसे जमा कर लिए ना आपने। मेष राशि, वृषभ राशि, ओह अबंडेंस, ब्यूटीफुल, बहुत सारा आने वाला है, बहुत सारे अबंडेंस में बैठे हैं आप। रेनबो कार्ड है, मतलब मज़ा भी ले रहे हैं। देखिए किसी किसी के पास बहुत सारा होता है लेकिन उस चीज़ का मज़ा नहीं ले पाते हैं, लेकिन आपके पास है, आप मज़ा भी ले रहे हैं और दूसरों को भी मज़ा कराएंगे। राजा प्रवृत्ति जिसको कहते हैं, इस हफ्ते आप राजा प्रवृत्ति में हैं, मज़ा कीजिए, खुश रहिए, थोड़ी सी बरकत और फैलाइए दूसरों तक। वृषभ राशि, मिथुन राशि, कंपैरिजन, क्या बात है, आपको बहुत 2-3 हफ्तों से ज़रा सा नॉट वेरी हैप्पी कार्ड्स आ रहे हैं। अभी इस हफ्ते का कार्ड ऐसा है कि कंपैरिजन, दूसरों से कंपैरिजन मत कीजिए। आप पेड़ है, आप पेड़ हैं, वो सामने वाला बम्बू है, वो बम्बू है, उसको पेड़ बनने की ज़रूरत नहीं, आपको बम्बू बनने की ज़रूरत नहीं। जो है जिसमें है खुश रहिए, सब अच्छा होगा आपके साथ, क्योंकि कहते हैं ना अंधेरी रात के बाद नई सवेरा आ जाता है। तो आपके लिए मिथुन राशि, कर्क राशि, नथिंगनेस, ओहो कर्क राशि, अब नथिंगनेस, चुपचाप चुपचाप रहिए, कुछ भी मत कीजिए, डोंट हैव एनी एक्शन डन, जो हो रहा है हो रहा है, कोई कुछ बोल रहा है बोलने दीजिए, आप रिएक्ट मत कीजिए उसके लिए, ठीक है। कर्क राशि बहुत ज़रूरी है क्योंकि लास्ट 2 हफ्ते से बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके, मतलब अभी अभी थोड़े शांत रहना है आपको। सिंह राशि, सिंह राशि का कार्ड रिबेल का कार्ड है, रिबेल का कार्ड मतलब बागी, रिबेल इज अ बागी, क्यों बागी बन रहे हैं आप, शायद कुछ ऐसे हो रहा है आपकी ज़िंदगी में जो आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, बनिए बागी, आपके लिए अच्छा होने वाला है, इसीलिए आपको बागी का कार्ड आया है। आपके पैरों में जंजीर ज़रूर है लेकिन आप उसको तोड़ सकते हैं क्योंकि आपके हाथ में मशाल है। तो सिंह राशि इस हफ्ते बागी। कन्या राशि, कन्या राशि इस हफ्ते गाइडेंस का कार्ड है, कोई बहुत अच्छी गाइडेंस कर रहा है आपके लिए, बहुत ही आपको पैसे आने वाले हैं, बरकत होने वाली है आपकी लाइफ में, तो ध्यान रखिए आप इस गाइडेंस को, ऐसे ही वेस्ट मत कीजिए। देर इज़ एंजल गाइडेंस हो रहा है एक लेडी के थ्रू, तो उसको ध्यान रखिए और आपको बहुत फ़ायदा होगा उस गाइडेंस के वजह से, ठीक है। डोंट लेट इट गो लाइक दैट ओनली, मतलब वेस्ट मत कीजिएगा, मेरा ये कहना है कि जब आपको कुछ एडवाइस मिलता है, कुछ अच्छी चीज़ें मिलती है, बहुत अच्छा होता है कि कोई, देखिए आई अंडरस्टैंड एडवाइस फ्री मिलता है लेकिन कौन सा चीज़ आपको फ़ायदा करने वाला है तो उसको लेने में क्या आपका क्या फ़र्क पड़ जाता है, फ़ायदा करके ले लीजिए, गाइडेंस ले लीजिए। तुला राशि, वो इंटीग्रेशन, सब कुछ बहुत ही अच्छी तरीके से जुड़ के आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। इंटीग्रेशन का कार्ड मतलब बहुत ही वज़नदार कार्ड होता है, ठीक है, अ कार्ड ऑफ सब्सटेंस वेर इन एवरीथिंग विल कम, बहुत सही तरीके से जुड़ के, वो कहते हैं ना वो अपने आप ही सब जुड़ने लग जाते हैं, आजकल वो व्हाट्सएप पे आ रहा है, वो एक इंजीनियर ने कुछ ऐसा बनाया, वो ठीक तरीके से वो राउंड हो रहा है, वो इस तरह से हिल रहे हैं सब, तो इस तरह से आपके लाइफ में आपको प्लान करने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर वाले ने प्लान कर दिया है आपके लिए। तुला राशि,
thumbs up, two thumbs ups for you. Very beautiful card. Vrishchik Rashi. Playfulness. बहुत कॉम्प्रोमाइज में रह लिए आप. अब हंसते खेलते मज़े में रहिए, प्लेफुलनेस में रहिए, लेकिन एनर्जेटिक प्लेफुलनेस, हाँ, ऐसे डल सा मत रहिए प्लीज़, एनर्जी में रहिए. कुछ फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, आपकी एनर्जी बढ़ेगी, यही चाहिए आपको. इस हफ्ते प्लेफुलनेस में रहिए, शायद अगले हफ्ते और कुछ अच्छा होने वाला है आपके साथ, इसलिए इस हफ्ते प्लेफुलनेस में रहिए. ठीक है, वृश्चिक राशि. हमारी धनु राशि. ब्यूटिफुल. धनु राशि का इस हफ्ते का कार्ड क्रिएटर का कार्ड है. इसका मतलब क्या होता है पता है? जो कर रहे हैं ऊपर वाला आपके साथ है, आपसे करा रहा है, और आपको बहुत पैसा मिलने वाला है. आप यहाँ जो येलो है, ये जो मणिपुर चक्र में, आपका विल पावर बहुत बढ़ने वाला है. विल पावर बढ़ने से पैसे मिलने वाले से मेरा मतलब क्या होता है? विल पावर बढ़ने से आपकी जो काबिलियत बढ़ती है टू शो योर बिजनेस और टू डू योर जॉब, उसके वजह से आपका नेचुरली आर्थिक आपका इंक्रीज होता है, फाइनेंसेस इंक्रीज होता है. दैट्स द वे इट इज़. मतलब मैं डायरेक्ट ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, दैट इज़ वाई ए इज इक्वल टू सी से ज़्यादा मैं ए इज इक्वल टू सी डायरेक्ट ही बता रही हूँ आपको. क्यों? अभी मैंने सविस्तार बता दिया आपको. धनु राशि बहुत ब्यूटिफुल. मकर राशि. मोमेंट टू मोमेंट, मोमेंट टू मोमेंट जी. आज जो हो रहा है उसमें जीने का कोशिश कीजिए. कल क्या होगा, परसों क्या हुआ था, नहीं, आज मोमेंट टू मोमेंट में जिएगा आप, और आपको बहुत सरप्राइजेज आएंगे. जब मोमेंट टू मोमेंट में रहता है ना इंसान, बहुत सरप्राइजेज आ जाता है. अरे ये हो गया, अरे ये आ गया, यू नो, एंड दैट इज़ अ गुड लाइफ. सरप्राइजेज आर ऑलवेज गुड. रिमेंबर दैट इट इज़ नॉट अ बैड सरप्राइज और अ गुड सरप्राइज. सरप्राइजेज आर ऑलवेज गुड. अचानक गिफ्ट मिल गया, अचानक लॉटरी लग गया, अचानक, तो मोमेंट में, मोमेंट टू मोमेंट में अच्छा. एवरी टाइम सब कुछ आपको पता रहेगा तो कैसे चलेगा? नहीं चलेगा, तो फिर आपको पता है लाइफ बोरिंग हो जाती है. मोमेंट टू मोमेंट फॉर मकर राशि. कुंभ राशि. आपके लिए अवेयरनेस का कार्ड है. कोई आपसे शायद कुछ झूठ बोल रहा है, कोई आपको फंसाने की कोशिश में है, कोई आपको कुछ दूसरा कुछ घुमा रहा है. जो है वो नहीं है बता रहा है, जो नहीं है वो है बता रहा है. उसके लिए आपको ज़रा सा सावधान रहना है. ज़रा सा क्या, पूरी तरह सावधान रहिए. शायद कोई ट्रस्टेड इंसान है या कोई नया इंसान है, कुछ भी हो सकता है, पर कोई तो आपको कुछ स्टोरी बना के बता रहा है जिससे आपको सावधान रहना है. कुंभ राशि, आप बहुत ज़्यादा, आप लोग बहुत ज़्यादा इंटेंस और ऑब्जर्वेशन वाले लोग होते हो कुंभ राशि वाले, तो ऑब्जर्व कीजिए, आपको पता चल जाएगा आप लोगों के बारे में. मेरा तो मत यही है, मतलब मेरा तो ओपिनियन ही यही है कि आप लोगों को जल्दी कोई फंसा नहीं सकता है. कोशिश ज़रूर कर सकता है, लेकिन उस कोशिश के आहार में मत आइए. ठीक है कुंभ राशि. और आखिरी राशि हमारी मीन राशि. ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग का कार्ड आया है. आप मतलब आप बहुत दूर कहीं जाने वाले हैं, जिसकी आपकी बहुत सालों की इच्छा थी. मीन राशि, थोड़ा देर हो चुका है लेकिन फिर भी आप निकलने वाले हैं, ये देखिए, और जहाँ पहुँचेंगे उधर सब कुछ मिलने वाला है. मीन राशि वालों के लिए अच्छा कार्ड. ट्रैवलिंग से मेरा मतलब सिर्फ ट्रैवलिंग नहीं है, आपके दिमाग की ट्रैवलिंग हो सकती है. आप कहीं तो पहुँचना है, इस पोस्ट से उस पोस्ट तक भी ट्रैवलिंग ही होता है. समझदार बनिए, जो कि आप हैं बहुत सारे. ठीक है मीन राशि, ऑल द बेस्ट टू ऑल. शुक्रिया.